तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक लेटेस्ट हॉरर मूवी जिसका नाम है द प्रे लेजेंड ऑफ कार्नोक्टस। ये एक अर्बन लेजेंड के ऊपर बेस्ड हॉरर मूवी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अफगानिस्तान में दो लोगों को जिनके नाम नसीम और जांगी होता है, जो कि एक केव के अंदर आए हुए थे। ये केव उनके काम करने की जगह थी और यहाँ पर वो लोग कुछ केमिकल से रिलेटेड और ड्रग्स बनाने का काम किया करते थे। अब वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नसीम को केव में एक अजीब सी आवाज आने लगती है और उसे कोई एनिमल जैसा कुछ दिखाई देता है। वो जांगी को इसके बारे में बताता है लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और ये सोचता है कि नसीम नशे में होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद में कोई बड़ा सा क्रीचर नसीम पर अटैक कर देता है और जांगी से डरकर भागने लगता है। गोलियां भी चलाता है लेकिन वो क्रीचर उस पर भी अटैक करके उसको जान से मार देता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर यूएस मिलिट्री के आउटपोस्ट को, जहां पर कुछ सोल्जर जो होते हैं वो वहां पर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। दूसरी ओर एक अफगानी विलेज में हम कुछ लोकल्स को कुछ सामान ले जाते हुए देखते हैं, बट तभी उन लोगों पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। असल में ये जो लोकल लोग थे ये कोई और नहीं बल्कि टेररिस्ट होते हैं और जिन लोगों ने इन पर अटैक था वो उनसे कुछ सामान को लूटने आए थे और फिर वो उन लोकल टेररिस्ट से कुछ क्रेट्स को लूट लेते हैं, उन सबको मार देते हैं। अब दूसरी ओर यूएस मिलिट्री के कुछ सोल्जर जो होते हैं वो कुछ ही दूरी पर थे तो उनको यहाँ से गन शॉट्स की आवाजें आने लगती हैं और वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। इधर इस हाइस्ट में कुछ और लोग भी शामिल थे जो कि थे टैगर, वेगा, रीड और गनर, जिसके साथ में कुछ और भी लोग थे। अब इन लोगों का प्लान था कि यहां से ये सारा सामान लूट कर उसको एक केव के अंदर छुपाना था क्योंकि उस टेररिस्ट ग्रुप के अंदर से और भी लोग आ सकते थे, यानी कि उन पर अटैक करने के लिए। तो वो लोग प्लान के अकॉर्डिंग इन लूटी हुई क्रेट्स को केव के अंदर छुपा देंगे और फिर कुछ लोग जाकर चॉपर लेकर आएंगे जिससे कि ये क्रेट्स अफगानिस्तान से बाहर जा पाएंगी। टैगर और रीड उन क्रेट्स को केव में ले जाते हैं छुपाने के लिए और वेगा और बाकी लोग वहां से चले जाते हैं चॉपर लाने के लिए। अब कुछ देर के बाद में वो सोल्जर्स वहां पर आते हैं जिनमें से मेन होते हैं ग्रिफिन, लेक, पेन, चैन और डोमिंगस। वो लोग अब इस लूट स्पॉट पर आते हैं कि तभी उन टेररिस्ट के साथी वहां पर आ जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं और उनसे बचते हुए वो लोग केव के अंदर चले जाते हैं और एक बॉम्ब होता है जो कि केव की एंट्रेंस पर आकर ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि केव का जो गेट होता है वो सील हो जाता है और कुछ सोल्जर वहां पर मारे भी जाते हैं। बचे हुए लोग अब खुद को संभालते हैं और एक दूसरे को उठाते हैं कि तभी वहां पर टैगर और रीड आ जाते हैं और अब उनकी उन सोल्जर से बहस हो जाती है कि वो लोग यहां पर क्या कर रहे हैं और सोल्जर्स का भी वही सेम सवाल था। एक सोल्जर चैन बेहोश पड़ा हुआ था एक्सप्लोजन की वजह से, तो लेक उसके बारे में सबको बताती है और किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए। तभी टैगर बोलता है कि वो एक मेडिक है तो वो कुछ हेल्प कर सकता है। चैन की नेक में सूजन आ जाने की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था और टैगर उसकी नेक में एक हल्का सा कट लगाकर जगह बना देता है जिससे कि वो सांस लेने लगता है और होश में आ जाता है। टैगर उन सोल्जर को बताता है कि वो और रीड स्पेशल कॉप्स हैं और वो यहाँ पर अपने कुछ क्रेट्स को रखने आए थे जिनसे वो लोग दूर ही रहें। ग्रिफिन ये बोलता है कि टैगर और रीड इल्लीगल काम भी तो कर सकते हैं या फिर वो लोग ड्रग रनर भी हो सकते हैं, जिस पर टैगर ये बोलता है कि अगर वो इल्लीगल काम करने वाले होते तो अब तक वो सारे सोल्जर्स को मार चुके होते। वो लोग इस केव में फंस चुके थे और बाहर जाने का कोई भी रास्ता किसी को नहीं पता था, जिस पर टैगर बोलता है कि ये केव किसी टनल की तरह है तो अब आगे कोई बाहर जाने वाला रास्ता उनको मिल ही जाएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो यहाँ पर सबको साथ ही चलना पड़ेगा। अब उन सोल्जर्स को टैगर और रीड पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था लेकिन वहां पर उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो वो लोग टैगर की बात मानकर उसके प्लान को फॉलो करने लगते हैं और दो दो की जोड़ी बनाकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोग अब आगे बढ़ ही रहे थे और रीड टैगर से पूछता है कि उसको तो यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता पता नहीं था, जिस पर वो बोलता है कि रास्ता तो अभी भी नहीं पता लेकिन अब वो लोग कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे क्योंकि अब वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हमको उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि इन क्रेट्स की हाइस्ट को वो लोग पिछले एक साल से प्लान कर रहे थे और ये उनका सबसे बड़ा काम था अभी तक का और वो क्रेट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी थी उनके लिए। आगे बढ़ते हुए कुछ सोल्जर्स को एक बड़ा सा स्पाइडर दिखाई देता है जिससे वो लोग डरने लगते हैं लेकिन रीड और टैगर उस स्पाइडर को मार देते हैं। वो लोग अब थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं जहां पर टैगर उन सोल्जर से बोलता है कि वो भी एक सोल्जर ही था और उनका देश आर्मी का यूज हमेशा वैसे नहीं करता था जैसे दिखाया जाता है। अब वो लोग अपने अपने व्यूज पर बात कर ही रहे होते हैं और हम देख पाते हैं मूवी के स्टार्टिंग वाले क्रीचर को जो कि उनके आसपास घूम रहा था चुपके से, जिसकी उन लोगों को भनक तक नहीं थी। वो क्रीचर काफी बड़ा था, दिखने में काफी अजीब था, किसी बिग फुट की जैसे उसकी शेप थी और उसकी चार आंखें
रखी थी। वो लोग अब आगे जाने लगते हैं कि तभी वो वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमने मूवी की स्टार्टिंग में नसीम और जांगी को देखा था। नसीम और जांगी की बॉडीज उन लोगों को वहां पर पड़ी हुई मिलती है जिनको किसी ने पूरी तरह से खा लिया था, और हम जानते हैं कि ये काम उसी क्रीचर का है, यानी कि वो इंसानों को भी खा सकता है। वो लोग उन बॉडीज को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और बात करते हैं कि ये किसी एनिमल का काम हो सकता है। वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तो उनको एक लैब का सेटअप भी मिल जाता है जिसके अंदर नसीम और उनके साथ वाले लोग एक्सपेरिमेंट्स और ड्रग्स मेकिंग किया करते होंगे। यहाँ पर सोल्जर सब जगह चेक करने लगते हैं कि तभी एक सोल्जर एक कैनिस्टर को गलती से ओपन कर देता है जिसके अंदर एक गैस निकलती है और वो जल्दी ही उस कैनिस्टर को बंद भी कर देता है। लेकिन अब तक थोड़ी सी गैस बाहर आ गई थी। उस गैस की स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब थी जिसे कुछ लोग स्मेल कर लेते हैं। अब ये लैब और गैस देखकर वो सब समझ जाते हैं कि इस केव में एयर वेंटिलेशन के लिए दूसरी एंट्रेंस जरूर होगी। वो सभी लोग अब वहां से आगे जाने लगते हैं और अब चैन और पेन को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जो कि उस क्रीचर की ही थी, और चैन को उसकी एक झलक भी दिखाई देती है जिसका वो पीछा करता है और अब वो क्रीचर पेन को अपने साथ खींच कर ले जाता है। चैन ये देखकर जोर जोर से चिल्लाता है और सभी लोग उसके पास में आ जाते हैं। चैन सबको बताता है कि अभी क्या हुआ, और अब टैगर, ग्रिफिन और रीड वहां पर जाने लगते हैं जिस साइड से वो क्रीचर पेन को खींच कर ले गया था। अब वहां जाने पर उन लोगों को पेन तो नहीं मिलता लेकिन उसकी राइफल ब्लड जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है, और वो लोग वापस लौट आते हैं बाकी लोगों के पास में। अब जिस सोल्जर ने उस कैनिस्टर को ओपन कर दिया था जिसका नाम सुलिवन था, वो केव के अंदर कभी लाइट तो कभी गर्ल्स को हेलुसिनेट करने लगता है और लेक उसको होश में लेकर आती है। टैगर, ग्रिफिन और रीड वापस आकर बताते हैं कि उनको पेन नहीं मिला, बस उनको राइफल मिली है, जिस पर चैन बोलता है कि उनको वापस जाकर ढूंढना चाहिए क्योंकि पेन जिंदा होगा, जिस पर ग्रिफिन एग्री करता है। लेकिन टैगर वापस जाने से मना करता है लेकिन ग्रिफिन के जोर देने पर वो मान जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी ग्रिफिन को अपने ग्रैंडपा केव में दिखाई देते हैं एज वो भी अब हेलुसिनेट कर रहा था। साथ ही साथ डोमिंगस भी अब हेलुसिनेट करने लगता है, जिस पर टैगर और लेक बोलते हैं कि ये सब उस कैनिस्टर के अंदर से निकली हुई गैस की वजह से हो रहा है जिसको उन लोगों ने स्मेल कर लिया था, मे बी वो कोई केमिकल होगा, और अब वो लोग भी हेलुसिनेट करने लगे थे। अब पहली चीज तो ये थी कि वो लोग इस केव के अंदर फंस गए थे, और दूसरा वो क्रीचर भी उनके आसपास ही था, और अब कुछ लोगों का हेलुसिनेशन उनकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा था। अब इसी के बीच में रीड टैगर को बताता है कि वेगा ने केव के अंदर आने से सीधा मना कर दिया था, और वो किसी डीमन या फिर बीस्ट के बारे में बता रहा था जिसे लोकल्स कार्नोक्टस बोलते हैं। जो क्रीचर इस केव में है वो कार्नोक्टस ही है। टैगर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता और रीड बोलता है कि वो भी ये नहीं मानता था, लेकिन जो फुटप्रिंट्स उन्होंने देखे हैं वो काफी बड़े थे और किसी नॉर्मल एनिमल के नहीं लग रहे थे। अब तभी चैन सबको आवाज लगाता है और सब लोग उसके पास में जाते हैं और देखते हैं कि एक जगह पर ढेर सारी बोन्स, डेड बॉडीज और फ्लैश पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ये सब काफी परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ टैगर को वहां पर एक काफी बड़ा टूथ भी मिलता है जो कि नॉर्मल एनिमल का नहीं था। इधर चैन थोड़ा आगे जाता है तो उसको घायल पेन मिल जाता है जिसे वो संभालता है, और तभी उसे अपने आसपास कार्नोक्टस दिखाई देता है और पेन वहां से गायब हो जाता है क्योंकि ये चैन का हेलुसिनेशन था, यानी कि जो लोग जिसके प्रिय होते हैं वही उनको दिखाई देते हैं इस गैस की वजह से। कार्नोक्टस अब चैन पर अटैक कर देता है, और कुछ ही देर के बाद में जब बाकी लोग वहां पर आते हैं तो उनको चैन की बीच से अलग हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे कार्नोक्टस खा रहा था, और उन लोगों को देखकर वो वहां से भाग जाता है। वो सब लोग कार्नोक्टस को देखकर बहुत डर जाते हैं और चैन की डेथ से वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। टैगर अब सजेस्ट करता है कि उनको उस क्रीचर को मारना ही होगा, नहीं तो वो सब लोग मारे जाएंगे, और इसके लिए उन्हें एक ट्रैप लगाना चाहिए जिसके अंदर वो चैन की कटी हुई बॉडी पर ग्रेनेड को लगा देंगे, और जैसे ही कार्नोक्टस उसे खाने आएगा ग्रेनेड ब्लास्ट होने से वो भी मारा जाएगा। प्लान तो ये बहुत अच्छा था लेकिन ग्रिफिन और बाकी लोग टैगर को चैन की बॉडी पर एक्सप्लोजिव लगाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठकर कार्नोक्टस का वेट करेंगे, और जब वो यहाँ पर आएगा तो वो उस पर अटैक करके उसको जान से मार देंगे। टैगर और रीड के पास में अब कोई भी रास्ता नहीं था तो वो ये प्लान मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो लोग चैन की बॉडी से कुछ ही दूरी पर चारों ओर छुपकर बैठ जाते हैं और कार्नोक्टस के आने का वेट करने लगते हैं उसे हंट डाउन करने के लिए। डोमिंगस को अब केव के अंदर अपना बेटा दिखाई देता है जिसको वो हेलुसिनेट कर रहा था, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। अब तभी वहां पर कार्नोक्टस आ जाता है जो कि सब पर अटैक करने लगता है, और इस अटैक में डोमिंगस और सुलिवन की डेथ हो जाती है जिससे कि ग्रिफिन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। अटैक में लेक भी घायल हो गई थी, और उसे संभालने के बाद में टैगर और रीड कार्नोक्टस के पीछे जाते हैं उसके ब्लड ट्रेल्स का पीछा करते हुए। और यहाँ पर एक चीज और की कार्नोक्टस का ब्लड ग्लो कर रहा था। वो लोग अब एक जगह पहुंचते हैं जहां पर कार्नोक्टस उन पर अटैक करता है जिससे कि वो लोग थोड़ा बहुत ही लड़ पाते हैं, और वो रीड का सर तोड़कर उसको जान से मार देता है और टैगर पर अटैक करता है। अब इधर दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रिफिन और लेक को,
जिसके पैर में गहरी चोट आई थी और ग्रिफिन उसको संभाल रहा था। अब तभी उनको कुछ आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं टाइगर की थी, जो कि काफी घायल हो गया था, लेकिन इवेंचुअली वो बच गया। ग्रिफिन उसको संभालता है और टाइगर उससे बोलता है कि ग्रिफिन ने पूछा था कि उन क्रेट्स में क्या है, तो उसका जवाब उसको अब मिल जाएगा। वो आगे ये भी बोलता है कि उस क्रीचर को मारने के लिए उसने रीड की बॉडी पर एक्सप्लोजिव्स लगा दिए हैं, जिनसे कि वो क्रीचर मारा जाएगा। वो ग्रिफिन को एक पेपर देता है और बाहर जाने का बोलता है, जिस पर ग्रिफिन उसे साथ लेकर आगे जाने का बोलता है। थोड़ी देर ही आगे जाने पर उन लोगों को जनरेटर मिल जाता है और ग्रिफिन उसको स्टार्ट करता है, जिससे उस केव के अंदर लगे हुए बल्ब जो होते हैं वो जलने लगते हैं और अब वो लोग बाहर जाने लगते हैं। उनको ब्लास्ट की आवाज आती है, जो कि रीड की बॉडी के एक्सप्लोजिव से आई थी, और वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सडनली वहां के बल्ब बंद हो जाते हैं, एस कार्नोक्टस अभी मरा नहीं था और उसने सारी लाइट्स खराब कर दी थी। अब वो उन लोगों की ओर आने लगता है और टाइगर ग्रिफिन और लेक को आगे बढ़ते रहने का बोलकर पीछे जाने लगता है, ताकि वो कार्नोक्टस को रोक पाए। घायल कार्नोक्टस टाइगर के पास में आता है और अब टाइगर उस पर अटैक करता है, और स्पीड और स्ट्रेंथ में कार्नोक्टस के पास में एडवांटेज था, तो वो टाइगर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी ग्रिफिन वापस लौट कर आता है, जो कि लेक को केव से बाहर सेफली छोड़कर आया था। वो अब कार्नोक्टस पर गोलियां चलाने लगता है और टाइगर अपने बैग पर गोलियां चलाने का बोलता है, और ग्रिफिन वैसा ही करता है, जिससे टाइगर के बैग में रखे हुए ग्रेनेड कार्नोक्टस पर ब्लास्ट हो जाते हैं और केव का वो हिस्सा भी बंद हो जाता है। ग्रिफिन बाहर की साइड था, तो वो बाहर चला जाता है और वो टाइगर की दी हुई पेपर कटिंग को चेक करता है, जिसके अंदर एक बड़े टेररिस्ट के बारे में लिखा हुआ था, जिसका बहुत सारा गोल्ड गायब हो गया था और उन क्रेट्स में गोल्ड ही था। जी हाँ, और ये गोल्ड चुराकर टाइगर और उसकी टीम ने एक बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने का काम किया था, क्योंकि ये उसके लिए फंडिंग का काम करते। इधर केव के अंदर टाइगर बच गया था और वो घायल कार्नोक्टस के पास जाकर उसे स्टैप करके जान से मार देता है, लेकिन अब उसे केव के अंदर कुछ और कार्नोक्टस दिखाई देते हैं। अब मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम वेगा को बाकी की टीम से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर वो कार्नोक्टस के बारे में सबको बता रहा था, और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द प्रे लेजेंड ऑफ कार्नोक्टस मूवी की कहानी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे।